नमो नमः बच्चों, आज आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के पाठ 5 अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक राहुल सांकृत्यायन का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ के विषय में पढ़ेंगे। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल सांकृत्याय। जीवन परिचय। महापंडित राहुल सांकृत्याय का जन्म अपने ननिहाल पंदहा ग्राम जिला आजमगढ़ में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे कट्टरपंथी ब्राह्मण थे। ये कनैला नामक ग्राम में निवास करते थे। इनकी माता कुलवंती देवी सरल और सात्विक विचारों की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और निजामाबाद में हुई। राहुल जी के बचपन का नाम केदार था। बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण इन्होंने अपना नाम बदलकर बुद्ध के पुत्र के नाम पर राहुल रख लिया। संकृति इनका गोत्र था, इसीलिए ये राहुल सांकृत्यायन कहलाए। सन 1907 ईस्वी में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने वाराणसी में संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। यही इन्हें पाली साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और अपने नाना द्वारा सुनाई गई कहानियों से यात्रा के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ। इस्माइल मेरठी का निम्नलिखित शेर इनके घुमक्कड़ी जीवन के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहा। इन्होंने 5 बार सोवियत संघ, श्रीलंका और तिब्बत की यात्रा की। 6 मास वे यूरोप में रहे। एशिया को तो इन्होंने छान ही डाला था। कोरिया, मंचूरिया, ईरान, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल आदि देशों का पर्यटन करने में इन्होंने अपना बहुत सा समय बिताया। इन्होंने भारत के तो कोने कोने का भ्रमण किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुमाऊं, गढ़वाल से लेकर कर्नाटक, केरल, कश्मीर, लद्दाख तक भ्रमण किया। राहुल जी मुक्त विचारों के व्यक्ति थे। घुमक्कड़ी ही इनकी पाठशाला थी। यही इनका विश्वविद्यालय था। इन्होंने विश्वविद्यालय की चौकट पर पैर भी नहीं रखा था। भारत का यह पर्यटन प्रिय साहित्यकार 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को संसार त्याग कर परलोक सिधार गया। साहित्यिक योगदान। राहुल जी उच्च कोटि के विद्वान और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने धर्म, दर्शन, पुराण, इतिहास, भाषा एवं यात्रा पर ग्रंथों की रचनाएं की। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपभ्रंश, काव्य साहित्य और दक्षिणी हिंदी साहित्य आदि श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी रचनाओं में प्राचीनता का पुनरावलोकन, इतिहास का गौरव और तत्संबंधी स्थानीय रंगत विद्यमान है। इनकी साहित्यिक सेवाओं का निरूपण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला, निबंधकार के रूप में। निबंधकार के रूप में राहुल जी ने भाषा और साहित्य से संबंधित निबंधों की रचना की, जिनमें धर्म, इतिहास, राजनीति और पुरातत्व प्रमुख है। इन्होंने रूढ़ियों के बंधन ढीले करने के लिए धर्म, ईश्वर, सदाचार आदि विषयों पर निबंध लिखे। अपने निबंधों से इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा
बनाने पर पर्याप्त बल दिया तथा उर्दू मिश्रित हिंदी का विरोध किया। उपन्यासकार के रूप में राहुल जी ने अपने उपन्यासों में भारत के प्राचीन इतिहास का गौरवशाली रूप प्रस्तुत किया है। इन्होंने सिंह सेनापति नामक उपन्यास में राजतंत्र और गणतंत्र की तुलना करते हुए गणतंत्र को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। तीसरा, कहानीकार के रूप में राहुल जी के कहानी संग्रहों में ओल्गा से गंगा और सप्तमी के बच्चे श्रेष्ठ संग्रह है। ओल्गा से गंगा में इन्होंने पिछले 8000 वर्षों के मानव जीवन का विकास कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। सप्तमी के बच्चे कहानी संग्रह में आकर्षक और कलात्मक ढंग से लघु मानव के प्रति राग और ममता को प्रस्तुत किया गया है। चौथा, अन्य विधा लेखक के रूप में इनके अतिरिक्त राहुल जी ने जीवनी, संस्मरण और यात्रा साहित्य की विधाओं पर प्रभावशाली रीति से सुंदर रचनाएं लिखी हैं। मेरी जीवन यात्रा नामक इनका आत्मकथात्मक ग्रंथ 5 खंडों में विभक्त है। बचपन की स्मृतियां, असहयोग के मेरे साथी आदि संस्मरणात्मक रचनाओं में इनका व्यक्तित्व उभरा है। इन्हें यात्रा साहित्य लिखने में सर्वाधिक सफलता मिली है। इनकी रचनाओं में देश विदेश की यात्राओं का वर्णन है। घुमक्कड़ शास्त्र में घुमक्कड़ी का महत्व बताया गया है। कृतियां, राहुल जी ने विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 129 प्रकाशित हो चुकी हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। पहला नंबर, कहानी संग्रह, ओल्गा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कनेल की कथा आदि। दूसरा, उपन्यास, सिंह सेनापति, जय जय योधेय, विस्मृत यात्री, सप्त सिंधु, जीने के लिए और मधुर स्वप्न, ये उपन्यास के अंतर्गत है। तीसरा, आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा। चौथा, दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद, बौद्ध दर्शन, विज्ञान के अंतर्गत विश्व की रूपरेखा। छठा, इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास, इस्लाम धर्म की रूपरेखा आदि, आदि हिंदी की कहानियां, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा आदि इतिहास के अंतर्गत है। सातवां, यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य के अंतर्गत लंका तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस और ईरान में 25 मास, जापान यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र। आठवां, संस्मरण, संस्मरण के अंतर्गत बचपन की स्मृतियां, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ। नवा कोश, शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश, तिब्बती हिंदी कोश। दसवां है, देश दर्शन के अंतर्गत सोवियत भूमि, किन्नर देश, हिमालय प्रदेश, जौनसार, देहरादून आदि। जीवनी साहित्य, सरदार पृथ्वी सिंह नए भारत के नेता, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आदि। बारवां, अनुदित रचनाएं, विस्मृत के गर्भ से, सोने की टाल, सूदखोर की मौत, शैतान की आंखें आदि। अंत में
बच्चों इनका साहित्य में क्या स्थान रहा ये आप लोग जानिए। साहित्य में स्थान, भाषा के प्रकांड पंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने अनुभव पर आधारित विशद लेखन से हिंदी साहित्य के विकास में अपूर्व योगदान दिया है। इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं में प्राचीन इतिहास एवं वर्तमान जीवन के उन अंशों पर भी लिखा है जिन पर आमतौर पर अन्य लेखकों की दृष्टि गई ही नहीं थी। बच्चों इस तरह से आज हमने आपको राहुल सांकृत्यायन के विषय में पढ़ाया, उनकी रचनाएं, उनका साहित्यिक योगदान, उनका साहित्य में स्थान के विषय में आपको बतलाया। इसके आगे अगली कक्षा में हम आपको इनका लिखित जो पाठ है अर्थात वो मक्कड़, उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।